गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10 विज्ञान दृष्टि दोष एवं उसका निराकरण करने जा रहे हैं। और आपको मैं इससे पहले एक बात बता दूं कि आपका जो साइंस है उसमें बीच बीच से टॉपिक होंगे। जो भी टॉपिक हो आप ध्यान से पढ़ना और बढ़िया तरीके से क्लियर करते जाना। आज करेंगे हम दृष्टि दोष एवं उनका निराकरण कि हमारी आंखों में कौन कौन से दोष हो सकते हैं और उनका निराकरण का मतलब है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, किस कौन सा लेंस उपयोग करके उसको दूर किया जा सकता है। चलो पढ़ते हैं। जो हमारे बेसिकली दृष्टि दोष होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ या दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, दृष्टि वैषम्य दोष, मोतियाबिंद। सबसे पहले दृष्टि दोष की बात करते हैं। दृष्टि दोष होता क्यों है? उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों में समझन क्षमता कम होने से, चोट लगने से, नेत्र में अत्यधिक तनाव आदि अनेक कारणों से नेत्र की समझन क्षमता में कमी आ जाती है या उनकी ये क्षमता खत्म हो जाती है अथवा नेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। नेत्र में दृष्टि संबंधी निम्न दोष प्रमुखता से हो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों में जो समझन क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, या कोई चोट लग जाए आंखों में, या नेत्र पर अत्यधिक तनाव होने से नेत्र में जो समझन क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, या उनकी जो क्षमता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अब इसके हम जो 5 टाइप है नेत्र दृष्टि दोष के वो करेंगे। सबसे पहले बात आती है निकट दृष्टि दोष की, इसको करते हैं पहले डिटेल से। निकट दृष्टि दोष होता क्या है? एक बात ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष सबसे ज्यादा इसमें दो ही कंफ्यूजन होती है। एक तो कि ये दोष कौन सा होता है, ये जो नाम लिखते हैं उनसे उल्टा होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष, नाम से ऐसा लग रहा है निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना तभी ये क्वेश्चन हल कर पाओगे। जो रोग का नेम है वो वस्तु साफ दिखाई देगी, हमेशा ही उल्टा होता है। और एक लेंस के लिए आपको ट्रिक बताएंगे, दो चीज याद रख लेना, इसमें आप कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब जो दोष है वो वस्तु साफ दिखाई दे रही है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, जो दोष है वो वस्तु साफ दिखाई देगी। दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसके नाम के हिसाब से कर देते हैं, वो गलत होता है। जो निकट दृष्टि दोष है निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूरदृष्टि दोष है उसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो पहले मैं क्या लिखोगे निकट दृष्टि दोष में, ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। बाकी लाइन तो इसकी उल्टी लिखनी है। और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, यही इसकी डेफिनेशन है। और एक इस दोनों में लेंस की बात आती है तो एक आसान सी ट्रिक है, जो दोष का नाम है उसके आगे एक अक्षर जोड़ दो, जैसे निकट, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, एक चीज याद रख लेना, निकट में एक अक्षर जोड़ो और दूर में एक अक्षर जोड़ो। या पहले ऑलरेडी 3 अक्षर है, एक अक्षर ये हो गया, 4 अक्षर का कौन सा लेंस है, एक एक 3 अक्षर का होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस 4 का। तो निकट में एक अक्षर जोड़ा,
चार अक्षर का बन गया, चार वाला लिख दो, कौन सा है? अवतल लेंस। इसका मतलब निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस यूज होता है। दूर में एक जोड़ा तीन अक्षर वाला कौन सा है? उत्तल लेंस। इसका मतलब क्या है? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। बस आपको इन दोनों में ये दो ही चीजें आपको अपने माइंड में बिठानी है। अगर आप इस तरीके से याद नहीं रखोगे तो बार बार कंफ्यूजिंग होगी। आप दो ही बातें ध्यान रखना, जो दोष है, जो दोष का नाम है उससे उल्टा होता है वो वस्तु बिल्कुल साफ दिखाई देगी। जैसे दूरदृष्टि दोष में, सॉरी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट में तीन अक्षर है तो एक अक्षर और जोड़ो, चार अक्षर वाला कौन सा है? अवतल लेंस। जिंदगी भर नहीं भूलोगे। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? दूर में एक अक्षर जोड़ो, तीन अक्षर वाला कौन सा है? उत्तल लेंस। याद रखना। अब करते हैं इनको थोड़ा डिटेल से। सबसे पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं। सबसे पहले निकटदर्शी दोष की बात करते हैं। निकटदर्शी दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, यानी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दर्शी दोष का मुख्य कारण नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को नेत्र में दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? चित्र है रेटिना के बाद बनता है, इसमें रेटिना से पहले बनता है। यह भी चीज आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे। जबकि कुछ दूरी पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। एक प्रकार से उस व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। इस दोष के निवारण के लिए उच्च क्षमता का अवतल लेंस नेत्र के आगे लगाया जाता है। कौन से दोष के लिए? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसारित यानी फैलाता है ताकि वे किरणें उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो जो दोष युक्त नेत्र को स्पष्ट देखने में दूर बिंदु है। वर्तमान में लेजर तकनीक का उपयोग करके इस दोष का निवारण किया जाता है। लेजर तकनीक की सहायता से अवतल लेंस आंखों में लगा दिया जाता है, इस दोष को दूर कर दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा। अब आप इसको चित्र के माध्यम से देखो। जो पहला चित्र है उसमें क्या है, जो निकटदृष्टि दोष का है उसकी बात हो रही है। जो इसका चित्र है रेटिना से पहले बन रहा है, ये रेटिना है, इससे पहले बन रहा है। और दूसरा चित्र जो दिखाया गया है यहाँ अनंत पर था पहले में, यहाँ क्या है अनंत से आगे आ गया है, और ये क्या है रेटिना पर दिखाया गया है। और इस लेंस को अगर हम, ये अवतल लेंस होता है, क्या है किनारों से मोटा होता है बीच से पतला, इसको इससे पहले लगा दिया जाता है, फिर जो इसका जो चित्र है बिल्कुल रेटिना पर बनता है तो इस दोष का निवारण हो जाता है। दूसरे डायग्राम में हम देखते हैं दूरदृष्टि वाले दोष में नीचे दिया गया है, इसमें क्या है जो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना से दूर बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा दूर। इसमें क्या है रेटिना पर बन के दिखाया गया है, इसमें यहाँ क्या लगा दिया उत्तल लेंस का उपयोग कर दिया गया है, तो जो रेटिना से जो दूर चित्र इसका प्रतिबिंब बन रहा था वो बिल्कुल ही रेटिना पर बन रहा है। यही चीज़ है। आपके दो दोष क्लियर हो चुके हैं, निकट दृष्टि और दूरदृष्टि। इसमें आप मुख्य मुख्य क्या बातें याद रखोगे? निकट दृष्टि में सबसे पहले ये बात रखोगे कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। और क्या है, इसका जो चित्र है रेटिना से पहले बन जाता है। और इसमें इसका निकारण करने के लिए, इसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का।
और दूरदृष्टि दोष में आप क्या करोगे, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। और जो इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है, रेटिना से दूर बनता है। और इसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करोगे, उत्तल लेंस। अब बात करते हैं इसके तीसरे दोष की, जरा दूरदर्शिता की। आयु बढ़ने के साथ नेत्र लेंस एवं मांसपेशियों का लचीलापन कम होने से नेत्र में समझन क्षमता कम हो जाती है। यानी उम्र बढ़ने से क्या होता है, नेत्र लेंस की जो मांसपेशियां है उसका लचीलापन है, यानी उसकी समझन क्षमता कम हो जाती है। इस कारण उन्हें दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है एवं वे पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं दिखाई नहीं देख पाते। कई बार उम्र के साथ व्यक्तियों को दूर की वस्तु भी धुंधली दिखाई देती है। इस प्रकार के दोषों को व्यक्ति को दूर की व पास दोनों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देखने में दिक्कत आती है। इनका निवारण करने के लिए दवी फोकसी लेंस उपयोग किए जाते हैं। इन लेंसों का ऊपरी भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल होता है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सी बात ये लिखनी है कि जो उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, मांसपेशियों का जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, आँखों की समझन क्षमता कम हो जाती है और आँखों में जो देखने की क्षमता वो कम हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे दोनों रोग हो जाते हैं इसके अंदर, दूरदृष्टि रोग भी और निकट दृष्टि दोष भी। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष जो एक साथ हो जाते हैं वो कौन सा कहलाता है, जरा दूरदर्शिता रोग कहलाता है। इसको दूर करने के लिए, इसको निराकरण करने के लिए, निवारण करने के लिए दवी फोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस, दवी फोकसी। और इसमें जो रोग होता है वो क्या होता है, आंखों की समझन क्षमता कमजोर हो जाती है, दूरदृष्टि प्लस में निकट दृष्टि, यानी दोनों हो जाते हैं। अगर दोनों दोष हो गए हमारी आंखों में तो दूर करने के लिए हमें क्या चाहिएंगे, दोनों लेंसों का ही उपयोग होगा। उन दोनों लेंसों को एक साथ इकट्ठा करके लगाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, दवी फोकसी। उसमें क्या होता है, जो ऊपर का लेंस होता है, ऊपरी पार्ट पर लेंस कौन सा लगता है, अवतल लेंस, और नीचे उत्तल लेंस। जैसे कई बार हमें चश्मा में देखा होगा, ऊपर की साइड और नीचे की साइड दो लेंस होते हैं। जो ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो चश्मा उपयोग की जाती है, दोनों लेंस मिलेंगे, आप ध्यान से देखना, एक ऊपर लगा होगा एक नीचे। नीचे ऊपर वाला अवतल लेंस होता है, नीचे वाला उत्तल लेंस होता है, दवी फोकसी होता है। कारण क्या है, उसे जरा दूरदर्शिता रोग है। और जरा दूरदर्शिता रोग होता कौन सा है, जो हमने पहले दूरदृष्टि और निकट दृष्टि जो दोनों रोग किए थे वो मिलाकर एक ही व्यक्ति के हो जाते हैं, वो कौन सा है, जरा दूरदर्शिता। इसमें के निराकरण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, दवी फोकसी। इसे दवी फोकसी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ दोनों लेंस लगे होते हैं। जो ऊपर का पार्ट होता है वो अवतल लेंस का होता है, जो नीचे का भाग होता है वो उत्तल लेंस का होता है। बिल्कुल आसान है, दोनों को मिलाकर ये दोष बड़ा है और जो दोनों उसके निराकरण के लिए लेंस उपयोग हो रहे थे वो हुए हैं। अब बात करेंगे चौथे दोष की, दृष्टि वैषम्य दोष।
चौथा दोष होता है दृष्टि विषमय दोष। देखते हैं क्या है। दृष्टि विषमय दोष या अबिंदुकता दोष, इसके दो नाम है, दृष्टि विषमय दोष या अबिंदुकता दोष, कॉर्निया की गोलाई की अनियमितता के कारण होता है। इसमें व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। बेलनाकार लेंस का उपयोग करके इस दोष का निवारण किया जाता है। अब देखो क्या बताया है, एक चीज तो आपको याद रखनी है, इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, वो भी लिखा आ सकता है। इसका दूसरा नाम क्या है, अबिंदुकता। अबिंदुकता दोष, अबिंदुकता भी लिखा आ सकता है, दृष्टि विषमय दोष भी लिखा आ सकता है, ये इसका दूसरा नेम है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है ये है कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण, जो हमारी आंख के अंदर कॉर्निया होता है उसकी जो लंबाई है उसमें अनियमितता होती है, या तो वो ज्यादा बढ़ जाती है या जो उसका लेवल होता है उससे घट जाती है, यानी कॉर्निया की अनियमितता के कारण ये दोष होता है। इस दोष में क्या लिखोगे, बस मेन मेन पॉइंट याद रखने हैं, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता, इसका कारण क्या है, जो कॉर्निया होता है हमारी आंख में उसकी गोलाई में अनियमितता के कारण ये दोष होता है। और इसके लिए, और इसमें व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें बात आती है एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तो जो खड़ी रेखाएं हैं, अगर ऐसे कोई व्यक्ति देखना चाहेगा ये कौन सी है ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज कौन सी है ये वाली, यानी हॉरिजेंटल, और ऊर्ध्वाधर को क्या बोला जाता है वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को अगर हम ये रोग है तो देखेंगे तो इसमें अनियमितता दिखेगी, सारी रेखाएं नहीं दिखेगी, कोई आगे दिखेगी कोई पीछे दिखेगी, जो ये पैरेलल लाइन होती है क्षैतिज ये भी नहीं दिखेगी, इसमें दिक्कत आती है। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस। लेंस के नाम का याद रखना है, बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है इसके निवारण के लिए। अब इसको थोड़ा रिपीट करते हैं, देखो बिल्कुल आसान है। दृष्टि विषमय रोग कौन सा होता है, इसका दूसरा नाम है अबिंदुकता दोष। क्या नाम है, अबिंदुकता दोष। और क्या लिखोगे, ये होता किस कारण है, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है। और क्या लिखोगे, इसमें जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और इस लेंस को निराकरण करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस। अब बात करते हैं लास्ट मोतियाबिंद दोष के बारे में, जो इसका पांचवा पार्ट है। मोतियाबिंद, व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है, एम उसका ललचिलापन कम हो जाता है, सेम ही चीज है। इसका कारण
इस कारण यह प्रकाश का परावर्तन करने लगता है एवं वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए नेत्र लेंस को हटाना पड़ता है, यानी शल्य चिकित्सा, पूर्व में शल्य चिकित्सा द्वारा मोतियाबिंद को निकाल दिया जाता था, यानी ऑपरेशन, जो डॉक्टर है ऑपरेशन करके मोतियाबिंद को बाहर निकाल दिया जाता था। नेत्र लेंस को निकाल देने से व्यक्ति को मोटा व गहरे रंग का चश्मा पहनना पड़ता है, मोटा व काले रंग का चश्मा लगाना पड़ता है व्यक्ति को। आधुनिक विधि में मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, जिसे इंट्रा आइकुलर लेंस कहते हैं। कौन सा? इंट्रा आइकुलर लेंस। अब इसको करते हैं थोड़ा, देखो वही सेम कारण है। क्या होता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जो हमारे लेंस की है पारदर्शिता खत्म हो जाती है, ललचीलापन कम हो जाता है, देखने की क्षमता कम हो जाती है। इस कारण क्या होता है, जो प्रकाश को परावर्तन करने लग जाता है, वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, जो हमारी आंखों पर जो प्रकाश पड़ता है उसको इधर उधर बिखेर देता है, यानी परावर्तन हो जाता है। जो चित्र सही बनना होता है उनका प्रतिबिंब नहीं बन पाता। और इस दोष का क्या नाम है? मोतियाबिंद है। इस दोष को दूर करने के लिए नेत्र लेंस को हटाना पड़ता है। पूर्व में शल्य चिकित्सा डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद को निकाल दिया जाता था। नेत्र लेंस को निकाल देने से व्यक्ति को क्या है, चश्मा वगैरह लगाना पड़ता है। आजकल इसके निकालने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? इंट्राआइक्यूलर लेंस। मोतियाबिंद को ऑपरेशन करके डॉक्टर बाहर निकाल देते हैं और इस जो इंट्राआइक्यूलर लेंस है इसका उपयोग किया जाता है। ये आपके हो चुके हैं पांचों दोष, इनको एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे। इससे पहले आपको जो एक कंपटीशन टेस्ट में इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है वो बताते हैं। इसमें यह पूछा जाता है कि जो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य सामान्य व्यक्ति का कोई चीज को देखने के लिए एक तो होता है निकटतम बिंदु, एक होता है दूर बिंदु। निकटतम बिंदु बहुत बार पूछा जाता है, दूर बिंदु, जो निकटतम बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, हमेशा याद रखना। और जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत, अनंत। सामान्य व्यक्ति है जो उसका निकटतम बिंदु होता है दृष्टि का 25 सेंटीमीटर, जो दूर बिंदु होता है अनंत, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं होती। अब आपको थोड़ा थोड़ा रिपीट कराते हैं जल्दी जल्दी पांचों दोषों को। जरा दूरदर्शिता, दृष्टि बेसमय दोष।
जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष, सबसे पहले निकट दृष्टि दोष आता है, इसके लिए क्या करते हैं, निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, उसके लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो इसका हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बनता है। बस ये चार पांच चीजें याद रखनी है। दूरदृष्टि दोष के लिए दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, इसके लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का, जो इस जो हमारा प्रतिबिंब बनता है जो रेटिना से पीछे बनता है। और जरा दूरदर्शिता दोष क्या होता है, निकट दृष्टि प्लस में दोनों को जोड़ दिया जाता है, निकट प्लस में दूरदृष्टि दोष, दोनों दोष होते हैं। इसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, द्वि फोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर अवतल लेंस होता है नीचे उत्तल लेंस होता है। दृष्टि विषमय दोष उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या है, हमारे जो आंख का जो ललचिलापन है वो कम हो जाता है, और इसका दूसरा नाम अबिंदुकता दोष भी है, जो हमारे कॉर्निया की गोलाई की अनियमितता के कारण होता है। इसमें व्यक्ति को जो ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज रेखाएं हैं समान रूप से दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसके लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, इसके निकारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। और जो लास्ट है हमारा मोतियाबिंद दोष, इसमें क्या है, उम्र बढ़ने के साथ वही सेम चीज़ है, नेत्र लेंस की पारदर्शिता कम हो जाती है, ललचिलापन कम हो जाता है, और जो हमारे ऊपर जो आंखों पर जो प्रकाश टकराता है वो परावर्तन करने लगता है, इससे क्या है हमारा जो हमें साफ दिखाई नहीं देता, इसके कारण मोतियाबिंद दोष होता है। और इसको दूर करने के लिए उस नेत्र लेंस को हटाना पड़ता है, डॉक्टर शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के द्वारा उसको हटा दिया जाता है, और इसको जो ऑपरेशन के बाद जो रोगी है उसको मोटा काले रंग का चश्मा पहनना पड़ता है। और इसके लिए जो आजकल जो लेंस उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, इंट्रा आयुकुलर लेंस का उपयोग किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।